Good morning, friends. Today we are going to discuss on polynomials, which is very interesting and very scoring topic and very basic topic. This topic is useful for other part of the maths also. So before starting polynomial, I would like to say that the name itself shows polynomial, means poly means many and nomial means terms. Poly means many and nomial means terms. ऐसे expressions जिनमें बहुत सारे terms हो वो polynomial कहलाते हैं. So algebraic expressions में अगर बहुत सारे terms हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? Polynomial. पर polynomial को समझने के लिए हमें दो important terms को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है. These two terminology are very important for polynomial. First is variable and another one is constant, right? ये दो term जो है ये बहुत ही significant term है polynomial के लिए. इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक दो example देना चाहती हूँ जिसके through आप इसको easily समझ सकें. Ninth class के students हैं. नाइन्थ क्लास की हम लाइक गर्ल्स को कंसीडर करते हैं. गर्ल्स का एक ग्रुप है. अब मैं अगर उसमें सारी गर्ल्स की एज पता करना चाहूँगी तो क्या सारी गर्ल्स की एज एक ही होगी? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि गर्ल्स भले ही नाइन्थ क्लास की हो, दो दे आर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट बट देयर एज कैन बी डिफरेंट. सो हेयर नाइन्थ क्लास की गर्ल्स आर कॉन्स्टेंट बिकॉज ये फिक्स है कि हम गर्ल्स की ही बात कर रहे हैं, तो दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म. एंड एज जो है वो डिफर हो रही है, किसी की कुछ होगी किसी की कुछ होगी, तो वो हो गया वेरिएबल. सो दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल. एक और अपन अच्छा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल समझते हैं. अगर हम सारे लोग पिज़्ज़ा हट गए, वहाँ पर हमने एक मिनी पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है और मिनी पिज़्ज़ा की जो कॉस्ट है दैट इज 80 रुपीज, राइट? अब आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ पिज़्ज़ा, तो मैं तो एक कभी ऑर्डर ही नहीं करती. आई विल ऑर्डर एटलीस्ट 2 मिनी पिज़्ज़ा, राइट? आप 1 करेंगे, आप 3 करेंगे, आप 4 करेंगे, तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी बिल आएगा. मेरा बिल कुछ अलग आएगा, आपका बिल कुछ अलग आएगा, उनका बिल कुछ अलग आएगा. तो यहाँ पर मिनी पिज़्ज़ा इज फिक्स्ड कि जिसकी कॉस्ट 80 रुपीज़ है, बट क्वान्टिटी आर चेंजिंग, राइट? तो क्वांटिटी के हिसाब से हमारा बिल आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? मिनी पिज़्ज़ा इज एक्टिंग लाइक अ कॉन्स्टेंट जिसकी कॉस्ट कितनी है? 80 रुपीज. तो थ्रू आउट द क्वेश्चन उस पिज़्ज़ा की कॉस्ट क्या है? 80 रुपीज. एंड क्वांटिटी इज चेंजिंग. सम इज ऑर्डर 1 पिज़्ज़ा, सम वन इज ऑर्डर 2 पिज़्ज़ा, सम वन इज ऑर्डरिंग 3 पिज़्ज़ा. सो बिल अमाउंट जो है वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. So this is called variable. So what is the simple definition of variable? No fixed value, right? And what is the simple definition of constant? Those who are having fixed value throughout the question. ठीक है? एक और छोटा सा example लेते हैं. Like I have a square जिसकी side की measurement है 3 units एंड आई हैव अनदर स्कोर जिसकी साइड की मेजरमेंट है 5 units, राइट? मैं इसकी पैरामीटर कैलकुलेट करना चाहती हूँ. क्या होता है स्क्वायर का पैरामीटर? 4 × sides, राइट? द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 times ऑफ इट्स साइड. फर्स्ट पैरामीटर जो होगी साइड 3 है तो दैट विल बी 12 units, ओके? एंड सेकेंड स्क्वायर की जो पैरामीटर होगी 4 × 5, दैट इज 20 units, राइट? छोटा स्क्वायर है तो उसकी पैरामीटर भी स्मॉल आएगी, बिगर स्क्वायर है तो उसकी पैरामीटर इज बिगर. अब इस क्वेश्चन में हम अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें
फोर इज एक्टिंग लाइक अ कॉन्स्टेंट। पूरे क्वेश्चन में स्क्वायर की साइड तो चेंज नहीं होंगी, स्क्वायर की हमेशा फोर साइड्स होती हैं, तो हमेशा फोर ही रहेंगी, स्क्वायर की कभी साइड्स चेंज नहीं होंगी। बट मेजरमेंट ऑफ स्क्वायर कैन बी साइड, मेजरमेंट ऑफ साइड कैन बी चेंज, राइट। लाइक पहले स्क्वायर की साइड का मेजरमेंट 3 था एंड दूसरे स्क्वायर की साइड का मेजरमेंट 5 था। तो यहाँ पर हम क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, 4 इज एक्टिंग लाइक अ कॉन्स्टेंट एंड 5 इज बिहेविंग लाइक अ वेरिएबल, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। नाउ वील सी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड नेचर ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले, उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगी नोटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, कैसे हम उसको डिनोट करेंगे पॉलिनोमियल्स को एंड वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स को, राइट। एक्सेट्रा। एंड वेरिएबल को कैसे डिनोट करेंगे, वेरिएबल कैन बी डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड एंड वट एवर, एंड कॉन्स्टेंट कैन बी डिनोटेड बाय ए बी सी डी एंड सो ऑन। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं, सो देयर इज नो कंपल्शन दैट वी कैन डिनोट वेरिएबल बाय एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। आप जो चाहे अपनी कन्वीनियंस एंड चॉइस के हिसाब से अल्फाबेट चूज कर सकते हैं। ये सिर्फ जनरल नोटिफिकेशन है, जो जनरली यूज किए जाते हैं वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अदरवाइज वेरिएबल के लिए हमें जो अल्फाबेट यूज करना है, कॉन्स्टेंट्स के लिए हमें जो अल्फाबेट यूज करना है, इट डिपेंड्स ऑन आर चॉइस, राइट। दिस इज जस्ट अ जनरल नोटिफिकेशन। सेम विथ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका होता है पी ऑफ एक्स, जो भी वेरिएबल आपके एक्सप्रेशन में है वो, क्यू ऑफ एक्स, एफ एक्स एंड सो ऑन। अगेन आई एम टेलिंग दीज आर जनरल नोटिफिकेशन, दिस इज नॉट फिक्स्ड, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। आपकी चॉइस के हिसाब से, लाइक आपको लगता है कि मुझे पी ऑफ जेड लेना है तो आप पी ऑफ जेड ले सकते हैं, आपकी जो चॉइस है आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। पी जनरली इसलिए लिया जाता है आपको समझाने के लिए, क्योंकि पॉलिनोमियल का जो वर्ड है वो स्टार्ट है पी से, तो पी इसलिए लिया गया है, दिस इज वेरी कन्वीनियंट। बट अगेन आई एम टेलिंग दिस इज अवर चॉइस, वी कैन चूज एनी अल्फाबेट फ्रॉम 26 अल्फाबेट्स, राइट। नाउ आई हैव पॉलिनोमियल राइट, आई हैव एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x² + 6x - 7। यहाँ पर हमारा वेरिएबल x है, इसलिए हमने इस पॉलिनोमियल को नाम दिया है पी ऑफ एक्स। अगर आपको इसे लग रहा है कि मुझे क्यू ऑफ एक्स लिखना है, सो आप क्यू भी लिख सकते हैं, सेम एक्सप्रेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आपको यूज करना है एफ ऑफ एक्स तो आप एफ ऑफ एक्स भी यूज कर सकते हैं। As I told you, there is no compulsion. एक और example लेते हैं, like I have z plus 6, तो अब मैं इसको क्या नाम दूंगी, either p of z, जो भी मुझे लेना है, या मुझे q of z लेना है तो मैं q of z ले लूंगी, but variable मेरा z होगा क्योंकि expression में हमारा variable z है। तो means हमें जो भी notification use करना है वो हम use कर सकते हैं according to the variable in expression, right? Now, हम polynomial को check कैसे करेंगे कि ये polynomial है कि नहीं है। Polynomial को check करने के लिए एक और important term है जो हमें पता होना चाहिए, that is whole number. Whole numbers are starts from 0, 1, 2 and n तक, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन आर कॉल्ड होल नंबर। अब हम पॉलिनोमियल को पता करने के लिए कि वो पॉलिनोमियल भी है कि नहीं है,
एक्स की पावर, वेरिएबल की पावर जो है उस पे ध्यान देंगे. लाइक आई एम कंसिडरिंग एग्जाम्पल, राइट, दिस इज आवर एक्सप्रेशन 4x³ + 2x² - 4x - 1. सबसे पहले हम वेरिएबल की पावर को ध्यान से देखेंगे. यहाँ पर x की पावर 3 है, राइट, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर x है ही नहीं, मीन्स पावर जो है x की 0 है. किसी की भी पावर 0 हो दैट इज इक्वल टू 1. जब यहाँ पर x है ही नहीं तो हम उसे ऐसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड 0, ठीक है. इस एक्सप्रेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर्स पावर के जो हैं वो है 3, 2, 1 एंड 0, एंड व्हाट आई टोल्ड यू, होल नंबर. होल नंबर भी क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. सो ये होल नंबर है पावर, यस, तभी हम इसे पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज दिस वॉज जस्ट अ सिंपल एक्सप्रेशन, ठीक है. और एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक आई हैव क्यू ऑफ जेड, ठीक है. ठीक है, अगेन हम पावर्स को ध्यान से देखेंगे. यहां पर पावर है -2, यहां पर पावर है 1, और जैसा कि मैंने आपको बताया यहां x की पावर ही नहीं है तो मैं उसे x^0 लिख सकती हूं, राइट. अब हम पावर्स को एनालाइज करेंगे, तो पावर्स हैं -2, 1 एंड 0. 1 एंड 0 तो होल नंबर है, बट -2 इज नॉट अ होल नंबर. सो क्या मैं इसे पॉलिनोमियल कहूंगी? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले पावर ऑफ वेरिएबल देखना पड़ेगा, एंड विच शुड बी होल नंबर. कंडीशन ये है कि वो होल नंबर ही होना चाहिए. अगर वो होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, राइट. सो फर्स्ट वी शुड चेक वेदर द पावर्स आर होल नंबर्स और नॉट. तो आपको मैंने बताया कि व्हाट आर द वेरिएबल, व्हाट आर द कांस्टेंट एंड व्हाट आर द होल नंबर. ये तीन चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी है. और एक एग्जांपल लेते हैं, दिस टाइम आई एम हैविंग वेरिएबल ए, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू a^3 + a^2 + यहां पर मेरे पास क्या है, 1/a. अगर मैं इसको रीराइट करूं तो एक्सप्रेशन इज राइट. अगेन विल चेक, पावर इज 3, पावर इज 2 एंड पावर इज -1. -1 इज होल नंबर, नो, मीन्स अगेन दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है. इसको ध्यान में रखते हुए हम एक और चीज को ध्यान में रखेंगे. अगर एक्सप्रेशन जो है, अब मैं एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज कर देती हूं, अब देखिए ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं दिख रहा है, ये कुछ अलग डिफरेंट तरीके से दिख रहा है. तो मैं इसे सबसे पहले अरेंज करूंगी. अरेंज का तरीका क्या होगा, पावर्स की डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी. ये जरूरी नहीं है, अगर आपको इसी से इजीली समझ में आ रहा है देन दिस इज नॉट नेसेसरी, बट इफ यू विल अरेंज देन इट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड, राइट. ये हमें समझने के लिए जरूरी है, अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं है. सो नाउ आर पॉलिनोमियल इज रीअरेंज्ड, ओके. अब देखेंगे कि x की पावर क्या है, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, और यहाँ x है ही नहीं तो मैंने आपको बताया हम उसे क्या लिख सकते हैं,
x to the power 0. 3, 2, 1 and 0. Powers are 3, 2, 1 and 0. And this is whole number, right? So this is our polynomial. So first, हमारी condition क्या है? कि हमें powers check करके ये पता करना पड़ेगा कि वो polynomial है कि नहीं है. ठीक है? अगर वो polynomial नहीं है, then हमें कोई आगे question solve करने की ज़रूरत ही नहीं है, because this is not a polynomial. और अगर वो polynomial है, तो इसी question को continue करते हुए हम पता कर सकते हैं highest degree of the polynomial. Highest power of the polynomial. कैसे पता करेंगे हम? जो variable की सबसे ज्यादा power हो, वो ही degree of the polynomial होगा. इस expression में हमारा variable है x, और उसकी सबसे बड़ी power जो है, that is 3. Highest power is 3. So, degree of this polynomial क्या होगा? Highest power of the polynomial. एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक z टू द पावर 30 प्लस 2. इस क्वेश्चन में अगर हम हाईएस्ट पावर देखें z की, तो वो क्या है? 30. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुआ? 30. और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक्सप्रेशन है z टू द पावर 2 प्लस 6z टू द पावर 5 प्लस z टू द पावर 12. मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें अगर ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे कोशिश करना चाहिए कि हम एक प्रॉपर फॉर्म में जमाएं. जैसे सबसे बड़ा है z टू द पावर 12, z टू द पावर 5 एंड z टू द पावर 2. एज आई टोल्ड यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर पावर का जमाएंगे. z की पावर 12 जो सबसे मैक्सिमम है, वो मैंने पहले लिखी, फिर पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में से जमाया. फ्रेंड्स, ये कंपलसरी नहीं है. अगर आप इससे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देन इट्स ओके. बट अगर आप इसे इस फॉर्म में जमाना चाहें, तो डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में भी जमा सकते हैं. बट अगेन आई एम टेलिंग, दिस इज नॉट अ कंडीशन. अब ये हमारा रीअरेंज हो गया है. अब अगर इसमें मुझे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पता करनी है, तो वो क्या होगी? Highest power of the polynomial. Here degree is 12, right? क्योंकि सबसे maximum power क्या है? 12. So here degree is 12. So highest power of the polynomial means degree of polynomial. Degree of polynomial पता करने के लिए हमें उसी question के variable की highest power को पता करना होगा. और एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. इस क्वेश्चन में भी अगर मुझे हर डिग्री पता करनी है, तो सबसे पहले तो ये पता करूंगी कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है. यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है. एंड एज आई टोल्ड यू, अगर जहाँ x ही नहीं है, तो हम उसे x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, विच इज इक्वलेंट टू 1. अगर यहाँ पर पावर्स देखें, तो सारी होल नंबर्स हैं. 2 इज होल नंबर, 1 इज होल नंबर एंड 0 इज होल नंबर. तो फर्स्ट वी चेक्ड, दिस इज पॉलिनोमियल. अब इसे अरेंज करने की जरूरत है? नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी अच्छे से अरेंज है, तो इसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है. अब मैं इसमें अगर आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो योर आंसर विल बी 2, बिकॉज मैक्सिमम पावर जो है, दैट इज 2. हाईएस्ट पावर जो है, वो दैट इज 2. सो हेयर डिग्री इज 2. सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने बहुत ही एलिमेंट्री पार्ट पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल लिया. उसमें हमने वेरिएबल पढ़ा, कॉन्स्टेंट्स, होल नंबर विच वेरी स्मॉल एग्जाम्पल्स. देन वी लर्न दैट कैसे हम डिनोट करेंगे. डिनोट करने के ये जो तरीके मैंने लिखे हैं, दीज आर जनरल नोटेशंस. ये कंपलसरी नहीं है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर चॉइस, राइट? फिर हमने
कुछ एक्सप्रेशंस लिखे, उन एक्सप्रेशंस में हमने सबसे पहले चेक किया कि वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। उसको चेक करने का तरीका था कि जो वेरिएबल की पावर है दैट शुड बी होल नंबर, अगर वो होल नंबर है तभी वो पॉलिनोमियल कंसिडर किए जाएंगे, अदरवाइज दे आर जस्ट सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट। फिर हमने चेक किया कि अगर वो पॉलिनोमियल हैं तब उनकी डिग्री क्या होगी। डिग्री देखने के लिए हमने वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर को देखा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल। नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।